けてたまる。सो गाइस, जैसे आपने देखा लेजेंड्स ने रिवील एंड स्टफ का वीडियो प्रीमियर किया था, उसमें हमें बैटल अपडेट के बारे में काफी पता चला और न्यू स्टफ के बारे में काफी पता चला। तो जैसा पहला अपडेट है वो मिशन प्लान्स फॉर एवरी प्ले स्टाइल, इसका मतलब ये है हर प्ले स्टाइल के हिसाब से एक मिशन प्लान होगा ही। जैसे एग्जाम्पल आप पीवीपी खेलते हो तो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशन होंगे। जो बंदा पीपी नहीं खेलता, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ इवेंट्स खेलना चाहता है या कोऑप करना चाहता है, सिर्फ मजे करना चाहता है, उसके एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मिशन होंगे। सो हर प्ले स्टाइल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिशन, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था, फोर्सफुली आपको पीपी के खेलना ही पड़ता था टू गेट वो बैटल रैंक 50 तक के रिवॉर्ड्स। जैसे आपने देखा होगा मिशन में जाके देखोगे पीपी आपको 20-20-20 ऐसे करके रिवॉर्ड मिलते होंगे, वो सिर्फ पीपी खेलने पर ही मिलता है। जिनको पीपी पसंद नहीं वो जबरदस्ती खेलेंगे पीपी, तो वो बेकार है। उस हिसाब से इन लोगों ने डिफरेंट प्ले स्टाइल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिशन रखे, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट है हर टाइप ऑफ प्लेयर के लिए। तो लेजेंड बहुत ही इंप्रूव कर रहा है अपने ऑडियंसेस पे और उनको क्या चाहिए आगे जाकर। तो अब बात करते हैं बैटल अपडेट की। बेसिकली दो मेजर बैटल अपडेट आए, जो पहला वाला है वो राइजिंग रश के बेसिस पे है। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई बंदा राइजिंग रश कर दे आपको, ठीक है, और आगे वाला बंदा गेस कर ले, जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल मैंने राइजिंग रश डाला और आगे वाले ने गेस कर लिया, तो क्या होगा, पहले क्या होता था फट से बंदा क्या कहते हैं कॉम्बो कर सकता था कोई भी कार्ड, बट अब ऐसा नहीं है। आप क्या कहते हैं आपका कैरेक्टर मिडल पे आके, जो मिड रेंज है वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। मतलब पहले क्या होता था कि बंदा जैसे ही गेस करता था फट से उसने कोई और कार्ड यूज करा और वो कॉम्बो कर सकता था, अब ऐसा नहीं है। बंदा मिड रेंज पे आ जाएगा फिर वो अपना कोई कॉम्बो स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैं मिड रेंज में आ जाऊंगा और मैं अपना कॉम्बो स्टार्ट कर पाऊंगा कैरेक्टर से, जो काफी बढ़िया चेंज है। पहले क्या होता था, लोग राइजिंग रश गेस करते थे, उनको प्रायोरिटी मिल जाती थी और मेरा एक यूनिट वहीं पर खत्म हो जाता था, क्योंकि वो दूसरे स्ट्राइक कार्ड या अल्टीमेट उसे चेन कर पाते थे और कॉम्बो से फिनिश कर देते थे। अब क्या है, अब वो मिडिल रेंज पे आ जाओगे तो आपके पास एक चांस है कि भाई हाँ मेरा राइजिंग रश गेस हो गया है, बट नहीं मैं अभी भी आगे अटैक करके जीत सकता हूं। सो ये था पहला वाला। अब बात करते हैं दूसरे बैटल अपडेट की। बेसिकली क्या होता था, जब आप एक बार कवर चेंज करते थे तो आपको तब तक वेट करना पड़ता था जब तक आपका ओपोनेंट कॉम्बो फिनिश नहीं करता था, तभी आप कवर चेंज कर सकते थे। अब क्या कर सकते हो, आपका आप एक बार आपने कवर चेंज किया, अब उसके एक और बार दूसरी बार भी कर सकते हो, दो तीन बार कर सकते हो, बट क्या कहते हैं उसका ये है मैंडेटरी कि आपके कूल डाउन पे नहीं होने चाहिए कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार कवर चेंज किया, अब मेरे बाकी जो दो यूनिट है वो बचे हैं, मैं दोनों को स्विच कर सकता हूँ सेम टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल कोई मैंने मर्ज मासू से किया स्ट्राइक चेंज, कॉम्बो चल रहा है, फिर मैंने वेजिटो ब्लू पे भी स्विच कर सकता हूँ, मतलब डुअल कवर चेंज कर सकता हूँ मैं अगर मेरा वो हो। बट ऑब्वियसली क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने ब्लास्ट डाला और मैंने मर्ज मासू पे किया, तो उस मतलब क्या कहते हैं मर्ज मासू का कवर चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि मर्ज वर्सू का कवर चेंज सिर्फ स्ट्राइक पे वर्क करता है। तो मैंने देख लिया आगा बंदे वाला ब्लास्ट ही डाल रहा है, तो फिर मैं वेजिटो ब्लू पे स्विच करूंगा ना, तो मैं पकड़ लूंगा उसको कवर चेंज पे। तो एक काफी बढ़िया बैटल अपडेट है। अब बात करें लेजेंड्स न्यूज की, ब्रोली को ज़ेंका अवेकनिंग मिल रहा है। सो जो ग्रीन वाला ब्रोली है जो सागास फ्रॉम द मूवीज को बफ करता है, उसको ज़ेंका अवेकनिंग मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये ब्रोली मतलब उस समय आया था ऐसा कुछ डैमेज नहीं करता था, बट इसका ग्रीन कार्ड वाला जो बैरियर है बहुत बढ़िया है, मतलब कोई स्पेशल मूव या अल्टीमेट उसको बैरियर ब्लॉक कर देता है। तो अब वाले इसमें क्या हो रहा है, ये बफ कर रहे हैं ब्रोली को। एक्चुअली जब ब्रोली का हेल्थ बहुत कम होगा तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अटैक कर पाएगा। एक पॉइंट में इसमें लिखा है, ब्रोली अटैक पावर विल बी स्ट्रेंथेंड एंड ही गेट्स अ ह्यूज पावर अप वंस हिज हेल्थ ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट। तो जैसे ही उसकी हेल्थ कम हो जाएगी एक सर्टेन पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल 50 ले लिया, उसके बाद वो ज़्यादा डैमेज कर पाएगा। जो दूसरा है ज़ेंकाई 6 पे, उसको क्या कहते हैं सीएंस और हाइब्रिड सीएंस के अगेंस्ट ज़्यादा डैमेज मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अभी आप देख सकते हैं हाइब्रिड सीएंस ही चल रहे हैं और सीएंस चल रहे हैं, तो ये बारडॉग के साथ बहुत बढ़िया यूनिट हो सकता है क्योंकि ये सुपर सीएन है। सो आखिरी में हर बार लेजेंड्स न्यू कैरेक्टर के बारे में रिवील करता है, बट उन लोगों ने इस बार नहीं किया। उन लोगों ने बस बता दिया कि 26 तारीख को शाम के 6 बजे IST, मैंने कन्वर्ट कर दिया 4:30 AM टू PST टू IST, 6 बजे आपको क्या कहते हैं रिवील एंड स्टफ करेंगे, जिसमें आपको न्यू कैरेक्टर के बारे में बताएंगे वो लोग। लाइव स्ट्रीम भी हो सकता है, प्रीमियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बढ़िया होगा। एक दिन पहले बताएंगे ब्लैक फ्राइडे से पहले कि क्या आने वाला है। सो लेट्स सी क्या आ सकता है।